हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ पोइट्री जिसका नाम है सेल्फ पोर्ट्रेट एंड दिस इज रिटन बाय ए के रामानुजन। और इससे पहले हमने ए के रामानुजन की एक दो पोइट्रीज को और कंप्लीट किया। ये एक छोटी सी पोइट्री है और इसके अंदर हम इसकी लाइन टू लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे साइड बाय साइड। इसमें जितने भी इमेजरी का यूज़ किया गया है, यू कैन से दैट कि इसमें जितने भी डिवाइसेस का यूज़ किया गया है उसको भी डिस्कस करेंगे हम इसी वीडियो में। सो बात करते हैं सबसे पहले पोइट्री की। और पोइट्री स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रामानुजन के बारे में अगर हम बात करें, सो इनका बोर्न मैसूर में हुआ था 1929 में। और ये सिर्फ एक पोइट नहीं थे, ही वॉज एन फोकलोरिस्ट, ट्रांसलेटर, लिंग्विस्टिक स्कॉलर और प्ले राइट एंड फिजियोलॉजिस्ट। इट मीन्स दैट कि इतने फील्ड्स में इनका परफेक्शन था, इतने फील्ड्स में इन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, इतने फील्ड्स में इन्होंने अपना काम किया। ही अर्न डिग्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर एंड डक्कन कॉलेज इन पुना एंड PhD फ्रॉम इंडियाना यूनिवर्सिटी। सो इनका जो क्वालिफिकेशन रहा है वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से हुआ था अपने टाइम पे। ये आप कह सकते हैं ऑन द टॉप इनका क्वालिफिकेशन था। ही रोट इन इंग्लिश एज वेल एन इन कन्नड़ ऑल्सो, बिकॉज जो इनका मदर टंग था वो कन्नड़ था, जैसे कि इनके नाम से ही क्लियर होता है, दैट्स वाई। तो बाद में इन्होंने अपना जो राइटिंग वर्क था वो कन्नड़ और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखा। अगर हम बात करें इसकी समरी की या लाइन टू लाइन की एक्सप्लेनेशन, तो इसमें क्या बताया गया है एज सेल्फ पोर्ट्रेट में। सो लाइन्स आर ऑन द स्क्रीन, आई रिजेंबल एवरीवन बट माई सेल्फ एंड समटाइम्स सी इन द शॉप विंडो। डिस्पाइट द वेल नोन लॉज ऑफ ऑप्टिक्स, द पोर्ट्रेट ऑफ अ स्ट्रेंजर डेट अनोन ऑफन साइन इन अ कॉर्नर बाय माई फादर। तो सबसे पहले पोइट्री को रीड करते ही आपको समझ में आ गया दैट इन दिस पोइट्री देयर इज नो राइम स्कीम, लैकनेस ऑफ राइम स्कीम, कोई भी राइम नहीं है। कभी कभी होता है ना, पूछते हैं कि कौन सी राइमिंग स्कीम है, और वैसे भी आपको RTC के क्वेश्चन में लिखना होता है कौन सी राइमिंग स्कीम है। सो इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, यू कैन राइट इट नो राइम स्कीम और लैकनेस ऑफ राइम स्कीम इन दिस पोइट्री सेल्फ पोर्ट्रेट में। अब अगर हम बात करें, वो बोलते हैं स्टार्टिंग लाइन में, आई रिजेंबल एवरीवन बट माई सेल्फ। द पोएम सेल्फ पोर्ट्रेट इज बेसिकली अबाउट आइडेंटिटी। किसकी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं इसमें रामानुजन? द आइडेंटिटी ऑफ हिज सन टू हिज फादर इन द फर्स्ट लाइन इट सेल्फ। जो पोइट बोलते हैं, द पोइट फील्स दैट ही रिजेंबल एवरी वन इन दिस वर्ल्ड इंक्लूडिंग दोज ही नोज, द वन ही डज नॉट नो, द वन ही डज नॉट कंपेयर विद एंड वंस डज नॉट वॉन्ट हिमसेल्फ टू बी कंपेयर, ही ओनली सीज अदर इन हिमसेल्फ। वो अपने अंदर भी अपने आप को नहीं देखते, किसी और को देखते हैं। एंड समटाइम्स सीज इन शॉप विंडो, शॉप विंडो मतलब जब कोई शॉप बनी होती है उसकी विंडो से जो एक रिफ्लेक्शन नजर आता है, जब वो उसमें देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो ना होकर कोई और है, मतलब वो अपने आप को उसके अंदर नहीं देखते। The poet lacks in his own identity, which is clear from the line state, I resemble everyone but myself. वो अपनी identity की बात करते हैं जो कि line starting में ही given है। His own identity seem to be faded or lost somewhere. अब यहाँ पे identity fade और lost होने का क्या meaning है कि कभी कभी जो human being है वो नहीं बनता जो वो चाहता है, वो society के according, environment के according, कभी कभी benefits की वजह से वो बन जाता है जो कि वो अंदर से नहीं होता, जो वो genuinely नहीं होता। रामानुजन सेल्फ सीम्स टेम्परेरी टू हिमसेल्फ जस्ट एज द टेम्परेरी हिज पोर्ट्रेट इज, द एक्सप्रेशन समटाइम्स शी इज क्लियरली शो द पोएट हेजिटेशन और क्रिएटिंग हिज ओन आइडेंटिटी। उसके बाद वो बार बार अपनी आइडेंटिटी की ही बात करते हैं। लास्ट में इसमें बोला गया है एंड समटाइम सी इन शॉप विंडोज, शॉप विंडोज जितने भी शॉप विंडोज हैं जो वहां पे मिरर लगे हुए हैं उनका जो रिफ्लेक्शन है उसमें भी वो अपने आप को नहीं देखते। इट सीम्स एज इफ ही सेल्फ बिकम्स इररिलेवेंट टू हिम, वन टेंड्स टू सी देयर ओन रिफ्लेक्शन इन अ मिरर व्हिच गेट्स मल्टीप्लाइड एज वी वॉक और लुक पास्ट मेरी मिरर्स।
द पोएट वॉक वेरियस शॉप विंडोज बट इन स्पाइट ऑफ सीइंग हिज ओन रिफ्लेक्शन ही रादर सीज अ पोर्ट्रेट ऑफ अ स्ट्रेंजर. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है कि जब भी वो शॉप विंडोज से गुजरते हैं वो अपने आप को ना देख कर किसी स्ट्रेंजर को देखते हैं. इट मीन्स कि वो जो रिफ्लेक्शन है शॉप विंडो से नजर आ रहा है वो पोएट का रिफ्लेक्शन नहीं लगता, वो किसी स्ट्रेंजर का रिफ्लेक्शन लगता है. द पोर्ट्रेट ऑफ ए स्ट्रेंजर डेट अनोन ऑफन साइंड इन अ कॉर्नर बाय माई फादर. और वो बोलते हैं कि एक ऐसा पोर्ट्रेट नजर आता है जिसपे क्या है जो कि जो कुछ फेमस पेंटिंग्स होते हैं जो पोर्ट्रेट्स होती हैं अगर वो कहीं लगे होते हैं तो उसमें बनाने वाले का नाम कॉर्नर साइड पे मेंशन होता है. तो यहाँ उसी चीज को रिफ्लेक्ट किया गया है. यू कैन से इन अनदर वर्ड लाइक बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑफ द सर्कमफ्रांसेस वर टिकलिंग टिकलिंग टू द पॉइंट लैक ऑफ फोकस ऑन हिज ओन लाइफ he actually suffers an identity crisis even in reflection or lack an identity. वो अपनी पहचान की crisis में या reflection में होकर इस poetry को लिखते हैं. After that, a series of questions start to strike in his mind to start questioning personality. He seems to constant dilemma. वो dilemma में है. कौन सी dilemma में? The event of his past as well as the present event forced to think and think individually. जैसे कि ये इसका क्या है, ये यहाँ पे इसका हिडन मीनिंग है कि एक तरफ तो वो बात करते हैं कि द पोर्ट्रेट ऑफ ए स्ट्रेंजर, कि जो पोर्ट्रेट नजर आ रहा है वो किसी स्ट्रेंजर का है जो कि मिरर विंडो से नजर आ रहा है, वो पोइट का नहीं है. एंड डेट अननोन का मतलब है उस पर एक ऐसी डेट लिखी है, ऐसी डेट लिखी है जिसको वो नहीं जानते. ऑफन साइंड इन अ कॉर्नर बाय माई फादर. और अब वो बात करते हैं और कॉर्नर में किसके साइन है, उनके फादर के साइन है. तो ये पोएट्री कुछ इस तरीके से है. और अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो यहाँ पे क्या एक हिडन मीनिंग प्रेजेंट होता है कि इन दिस वर्ल्ड जितने भी लोग हैं, जितने भी पीपल हैं, वो किस चीज में लगे हुए हैं, दैट एवरी वन इंगेज्ड इन टू मेक आर्टिफिशियल प्रेजेंस. और सोसाइटी की वजह से, सर्कमस्टांसिस की वजह से, सिचुएशंस की वजह से जो अपने आप को चेंज कर लेते हैं, वो रियलिटी में नहीं होते लेकिन उस चेंज की वजह से जो दुनिया को दिखाते हैं, जो वर्ल्ड को दिखाते हैं उसमें, और जो एक उनका जेन्युइन नेचर होता है उसमें चेंजमेंट होता है. नाउ पोएट्रिक डिवाइसेस की अगर हम बात करें, इस पोएट्री में एक छोटी सी पोएट्री है. पोएट्रिक डिवाइसेस अलग ना लिख के लाइन के साथ ही मैंने इसमें अटैच कर दिए. जैसे कि आप फर्स्ट लाइन देखिए, I resemble everyone but myself. यहाँ पे किसका यूज किया गया है, मेटाफोर का यूज किया गया है इस लाइन में, जो कि मैंने यहाँ पे रेड कलर के पेन से हाईलाइट किया है. आफ्टर दैट एलिटरेशन का यूज किया गया है इसके आगे ही. एंड समटाइम्स सीज, समटाइम्स सीज में एस का रिपीटेशन है. और जब रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट होता है तो वहां पे एलिटरेशन का यूज किया जाता है. In shop windows, despite and well-known laws of optics, the portrait of stranger and date unknown often signed in a corner. यहाँ पे एक imagery का use किया गया है, एक imagery को present किया गया है real life situation को present करने के लिए. तो यहाँ पे ये है इसकी poetic devices. अब अगर हम इसके rhyme scheme की बात करें तो as earlier in the starting of the poetry I told you कि यहाँ पे कोई भी rhyming scheme नहीं है, कोई भी rhyme scheme follow नहीं हो रही है. तो ये आपकी जो पोएट्री है वो कंप्लीट होती है. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक और न्यू कंटेंट. स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू.